अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट। अस्सलामु अलैकुम, हम आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। अरसल और जोनिया को उसके ससुराल वाले घर से निकाल देते हैं और यूं अरसल को अपनी थोड़ी आमदन में किराए के मकान में रहना पड़ता है और यूं जोनिया के सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं कि वो ऐश की ज़िंदगी गुजार सकेगी अरसल के साथ। ईशा की तरक्की हो जाती है, अरसल पछताता है, जोनिया से शादी करके वो कितने घाटे का सौदा किया है, वो अब ईशा के अंडर काम करेगा। वो ईशा जिसको वो रिजेक्ट करता आया है, आज वो उसकी बास थी, अपनी तरफ से गैरत दिखाता है, नौकरी को लात मार के आ जाता है। सोनिया परेशान हो जाती है, अब घर का खर्चा कैसे चलेगा, किराया कहाँ से देंगे। अरसल के घर के हालात रोज़ बरोज़ ख़राब होते जाते हैं। वो कारोबार करना चाहता है, सोनिया को एतबार में लेकर उसका जेवर बेचकर पैसे लेकर कारोबार करना चाहता है, मगर सोनिया हत्थे से उखड़ जाती है, वो उसका अपना जेवर देने को तैयार नहीं होती और यूँ दोनों में बेतमादी और शक की फ़जा पैदा हो जाती है। दूसरी तरफ जैद की बहन जैद से कहती है, ईशा से शादी कर लो, इससे अच्छी लड़की आपको नहीं मिलेगी, मगर अब ईशा का ज़ख़म भरा नहीं होता, वो शादी के लिए हामी नहीं भरती, वो भी अरसल के भाई से सोचने के लिए वक्त ज़रूर मांग लेती है। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी।